आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर बेट द्वारका मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इसके बाद सुदर्शन सेतु की जो सौगात है वो मिलेगी द्वारका की। आपको बता दें कि बेट द्वारका से ये सुदर्शन सेतु जोड़ेगा, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि द्वारकाधीश कृष्ण जब यहाँ पर शासन करते थे तो उस वक्त बेट द्वारका ही उनका निवास हुआ करता था। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेट द्वारका से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं में जाएं तो वल्लभाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी, और इसके साथ ही साथ महाभारत काल में ये जो बेट द्वारका जगह है इसे अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता था, इसका उल्लेख मिलता है। और देखिए जो परंपरा है बेट द्वारका मंदिर की, जिस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना होती है, उस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेट द्वारका मंदिर से, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान कृष्ण के निवास स्थल के रूप में। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह है देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, जिसकी आधारशिला रखी गई थी 2017 में, और अब ये जो आवागमन है ये शुरू होगा। आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2017 के में इस सेतु की जब स्थापना की गई, अब तक बेट द्वारका से जो संपर्क है वो केवल नाव के जरिए हो पाता था, क्योंकि एक द्वीप है, छोटा द्वीप है, और इसीलिए इसे अंतरद्वीप के नाम से महाभारत काल नाम में जाना जाता था। तो अब जो नाव के जरिए बेट द्वारका पहुंचते थे वो सुदर्शन सेतु के जरिए भी पहुंच पाएंगे। तो यानी कि बेट द्वारका को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, और देश के जो सबसे बड़ा केबल ब्रिज है उसकी सौगात थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन इस वक्त वो मंदिर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ओखा से बेट द्वारका को ये पुल जोड़ेगा, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है, ब्रिज का डिजाइन बेहद खास है, और इस पुल की सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी द्वारका मंदिर की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और बेट द्वारका को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो बीते 5 दिनों में ये दूसरा गुजरात दौरा है। आज के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, सुदर्शन सेतु के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 52,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देंगे, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।